ट्रैवल विद अरुण नाम से चैनल है मेरा। क्या बोल? ट्रैवल ट्रैवल विद अरुण। क्या ऑनलाइन बुक कर लिया था पहले पेमेंट? बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहली बार आने पर। और अभी 2 घंटा है मेरी टैक्सी में। सलाम सर। और ये जो बगदूतरा का एयरपोर्ट है वो डिफेंस एयरपोर्ट है, तो आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है। और बाहर भी आपको आर्मी वाले मिलते रहेंगे। पहली बार आया हूँ यहाँ पर, नए लोग हैं, सब कुछ अलग दिख रहा है अभी, तो बाहर जा रहा हूँ अभी, तो चाय वगैरह कुछ पीऊँगा। और ये जो टैक्सी स्टैंड है यहीं मेरी टैक्सी आएगी 2 घंटे बाद। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ का। अभी मैंने जो शेयर टैक्सी बुक की है बगदोदरा एयरपोर्ट से गंगटोक तक, वो की है विज राइट करके एक साइट है, उससे हॉस्टल के नहीं बताया था वाले ने कि सबसे चीप यही है, तो फटाफट वही की मैंने। और 3 बजे तो अभी उसका नंबर भी शेयर नहीं हुआ मेरे साथ, 2 बजे उसका नंबर आएगा फिर बात करूँगा। अभी तो बस पीछे एयरपोर्ट था और आगे बढ़ रहा हूँ बस, मुझे भी नहीं पता कहाँ गया। और यहाँ पर खेत है कुछ, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। सिलीगुड़ी की खासियत ये है कि ये जो एरिया है वही मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ता है, और यहाँ से बांग्लादेश भूटान और नेपाल तीनों जगह जाने के लिए लोग बगदोदरा आते हैं। अगर आपको भूटान भी जाना है तो आपको बगदोदरा की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, अभी तो वैसे सब बंद है। अब बांग्लादेश की बॉर्डर क्रॉसिंग भी है यहाँ पर और नेपाल की भी है, तो देखते हैं इस ट्रिप के आखिरी में। सोच रहा हूँ नेपाल घुसने का, अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड है, मैं वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट लाए नहीं, अगर होगा तो नेपाल घुसने की कोशिश करेंगे। अभी तो आज की मंजिल है गैंगटॉक। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है अभी कि मेरे टैक्सी ड्राइवर के बारे में, अभी आधा घंटा है, 3 बजे की बुकिंग थी, 2:30 बज रही है अभी, और ये पीछे शायद टी गार्डन्स ही हैं, मुझे पता नहीं है, अभी आया ही हूँ तो इधर ही आसपास पैदल घूम रहा हूँ। उधर पूछी थी एक दो लोगों से तो कुछ उसने बोला कुछ भी नहीं आसपास, तो मैंने कि ऐसे ही वॉक कर लेता हूँ, एक जगह आधे घंटे बैठ के क्या करूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहली बार अपने देश के इस एरिया में आया हूँ मैं, तो अभी तो बाकी है आज, मतलब 5-6 घंटे का सफ़र है मेरा, रात तक सिक्किम पहुंच जाऊंगा। और सिक्किम में वही मैंने हॉस्टल बुक किया इस बार भी, जैसलमेर में अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा हॉस्टल के साथ। कि आपको भी मेरी यही सजेशन है, यदि आप सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं तो सोलो ट्रैवल का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले ही घूमोगे पूरा, सोलो ट्रैवल का मतलब ये है कि आप अकेले आए हो और यहाँ से दोस्त बनाकर जाओगे, इसलिए हॉस्टल इज़ ए बेस्ट थिंग टू डू वाइल सोलो ट्रैवलिंग। तो वहाँ सामने मुझे कुछ टी गार्डन्स दिख रहे हैं, तो ऐसे जा रहा हूँ वॉक करते हुए और उस साइड से वापस आ जाऊँगा। टी गार्डन्स अभी मुझे लग रहा है, और मेरे हिसाब से टी गार्डन ही होंगे क्योंकि अलग टाइप की क्रॉप देख रहा हूँ मैं पहली बार ये। तो जा रहा हूँ सामने, खेत के अंदर ही घुसते हैं और खेत वाले से ही पूछेंगे कि काय के खेलते हैं। चलो आज आपको खेत दिखाते हैं वेस्ट बंगाल बगदोदरा के। भैया चाय के खेत हैं? अच्छा ये सब चाय? कितने महीने बाद आएगी इसमें? हाँ 3 दिन में आएगा। 3 दिन में चाय उग जाती है? अच्छा जी, नहीं पत्ती से चाय बनता है, पत्ती से चाय बनता है। तो ये चाय की फार्म से पूरे, और बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार चाय के खेत देख रहा हूँ मैं, आप भी देख ही लो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वनाथ है। विश्वनाथ है, कहाँ से हो आप? यहीं से हो? अच्छा, मैं एमपी से आया हूँ। चाय का पत्ती है? हाँ ये होता है चाय, ये पत्ती ना, ये 3 पत्ता। अच्छा, इसको बनाते हैं फिर? हाँ, इसको निकाल के फैक्ट्री में लेके मतलब नरम किया जाता है। हाँ पूरा नरम हो जाएगा, उसके बाद इसको सीटीसी में काटा जाता है। अच्छा अच्छा, ये बंगाल में ज़्यादा चाय होती है असम में? बंगाल असम ये सब में। हाँ हमारी अभी यहीं से आती है, यहीं दार्जिलिंग असम चाय, लेकिन कोई भी इलाका हो इसमें क्या चाय की खुशबू आती है? कोई भी इलाका हो, ये सिर्फ ये 3 पत्ता होने से चाय एकदम प्योर बनता है। अच्छा अच्छा, इसमें भी कुछ वो रहती है वैरायटी, मतलब अलग अलग तरीके की? जैसे कि पत्ती खरीदने से ना, कोई इतना तोड़ के लाता है, ठीक है, कोई इतना तोड़ के लाता है, कोई इतना तोड़ के लाता है, तो ये चीज नहीं, ये सारा भूसी बन जाएगा। अच्छा, सिर्फ ऊपर का, इससे सिर्फ बनेगा चाय। अच्छा,
इससे भी बनेगा लेकिन इसका क्वालिटी नहीं, इसका क्वालिटी अच्छा रहेगा, ये ऊपर वाले का सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे बढ़िया। तो ये क्या खेत से बी ग्रुप में मंडी में बेचने जाते हैं? ये कहाँ पे बेचने जाते हैं? फैक्ट्री है इसका। अच्छा, ये फैक्ट्री है। खेत किसके हैं? ये सब एक ही कंपनी के। तो कंपनी के हैं ये? इधर के लोकल लोगों के नहीं है सारे खेत? कंपनी के, कंपनी का बहुत बड़ा इलाका है ना। हाँ, अब कंपनी का है लेकिन कितना कितना गांव को पाल रही है। हाँ, ये भी है, पूरा गांव सब। तो कंपनी अच्छा पैसा देती है? पैसा तो देता है, 7 रुपया केजी देता है। अच्छा, 7 रुपये केजी? हाँ, इतना सारा तोड़ने से 7 रुपये। अगर मान के चलिए कि ये वाला जो लाइन है ना, लाइन लाइन होता है ना। हाँ हाँ, अभी ये लाइन का ये थोड़ा सा वहाँ तक है ना पत्ती, ये पत्ती पूरा वो लोग कैसे तोड़ेगा? इतना इतना तोड़ेगा ऊपर ऊपर से? नहीं, इतना ही तोड़ेगा। अच्छा, इतना ही तोड़ेगा? इतना ही तोड़ेगा। जैसे कि ये पत्ती है कंपनी वाला, इतना में आएगा? नहीं, लेबर लेबर इतना तोड़ेगा, फिर कंपनी उसको नहीं कुछ करेगा। ये ऐसे ही आता है क्या हमारे यहाँ? अच्छी मतलब अच्छी चाय ऊपर की रहती है और हमें नीचे का भी मिलता जो है। मशीन में काटा जाता है ना, तो ये जो पार्ट्स है, ये 3 पत्ती है ना, ये 3 पत्ती में आएगा आपका पूरा नरम होके, मतलब ये जब सिटी सी काटेगा ना ये अपने आप अलग हो जाएगा। अच्छा अच्छा, और ये उगते रहते होगे बार बार? एक बार लगा दिया कितने साल चलता है फिर पौधा ये? तकरीबन इसका हो गया होगा अभी 40-45 साल हो गया। 40-45 साल हो गया होगा, इतना लंबा चलता है। अच्छा, एक बार लगा दिया तो फिर उगता रहता है? क्या पानी ज्यादा लगता है इसको? नहीं नहीं, इसको ठंडा का दिन में पानी पटाया जाता है। नहीं, इसको कलम किया जाता है ना, काटना पड़ता है, नहीं तो ये पेड़ जैसा हो जाएगा। अच्छा, काटते होंगे ऊपर ऊपर से? हाँ, जैसे कि ये जो कलम किया हुआ है ना, ये उसका दाग है। ठीक अच्छा, है अच्छा। ये जो काटा जाता है ये उसका दाग है, इसी से और निकलेगा। अगर नहीं काटने से, देखिए ये काटा हुआ है ना, अगर नहीं काटने से तो बड़ा होता जाएगा, बड़ा हो जाएगा, चाय नहीं निकलेगा, चाय नहीं निकलेगा। जितना काटेगा उतना ही टेबल बनेगा, जैसे टेबल हुआ ना, टेबल बनने से ही चाय निकलेगा, अगर नहीं काटने से जैसा पेड़ बन जाएगा। और कौन सी फसल होती है यहाँ पे? चाय, कॉफी? चाय होता है, कॉफी नहीं होता। अरे, चाय है मेन धंधा यहाँ का। ये बागडोगरा तो चाय के लिए प्रसिद्ध है ना। हाँ हाँ, सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी भी यही है ना। और यहाँ पर मतलब टूरिस्ट के लिए क्या क्या है? टूरिस्ट के लिए घूमने का, घूमने का, घूमने के लिए इधर बेंगडूबी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उधर है, और ये खेत ऑन होंगे चाय के। हाँ, ये सब पूरा खेत। आप जहाँ भी जाइए सिलीगुड़ी में सब तरफ बगाने बगान दिखेगा। अच्छा अच्छा, हाँ, उधर जाइए नक्सलवाड़ी रोड, पूरा का पूरा चाय का ही बगान दिखेगा। अच्छा, सब एक ही कंपनी का है, वो वहाँ का है, दुबई। अच्छा, सबको खरीद के रखा हुआ है। सब बाहर के लोग कमा रहे? मतलब इसमें सब गाँव का ही लोग कमा रहे? गाँव का कमा रहे, पर कंपनी बाहर की है। जैसे कि वो नीचे एकदम एयरपोर्ट साइड तक पूरा बगानी है, बगानी वे रोड हाउस पर पूरा उधर बगानी। हाँ, वही देखा था मैंने, जब से पूरा हरियाली आ जाता है ना। हाँ, रोड में आदमी उतर के बगान में घुस जाता है फोटो उठाने। अच्छा, कौन से महीने में होता है ये? होता है आपका बसंत काल, जब पेड़ का पत्ती झड़ता है ना। हाँ, ठंड भी बहुत पड़ती होगी यहाँ पे? बहुत पड़ता है। बर्फ वगैरह पड़ती है ना? बर्फ नहीं पड़ता, बर्फ सिक्किम साइड, दार्जिलिंग में पड़ता है। इधर बर्फ नहीं पड़ता लेकिन ठंड बहुत भयानक होता है, लेकिन वो होता है दिसंबर और जनवरी। दिसंबर जनवरी। टूरिस्ट किस समय आते हैं? इसी समय ना, इस टाइम वसंत काल में। वसंत काल में पत्ती झड़ता है ना। हाँ हाँ, उस समय आता है, उस समय सब नया पत्ती निकलता है ना। ये जो काला काला पत्ती दिख रहा है ना, उस समय ये पत्ती काला नहीं रहेगा, सब ऐसे ही हो जाएगा। तो ये थे चाय के खेत, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको भी मिली और मुझे भी बहुत ज्यादा मिली। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था चाय के बारे में, भैया ने बहुत अच्छा समझाया। और उन्होंने बाद में मुझे ये भी बताया कि जब मैं फोटो खींच रहा था अंदर, कि इसमें एक सांप रहता है हरा कलर का और बहुत जहरीला रहता है, वो दिखता भी नहीं है, तो उसका रिस्क रहता है इसके अंदर। तो ये थे बगदोदरा के टी गार्डन्स। और अब मेरे टैक्सी वाले का भी कॉल आ गया है मुझे, तो मैं वापस एयरपोर्ट तरफ ही जा रहा हूँ, पार्किंग में। बढ़िया रहा इधर, अच्छा वो गार्डन तो घूम ही लिया, क्योंकि सिक्किम में गार्डन मिलते नहीं, टी गार्डन्स। तो वापस एयरपोर्ट की ओर जा रहा हूँ और 3 बजे हम निकल लेंगे गंगटोक के लिए। और जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि बारिश के पूरे आसार दिख रहे हैं, ये देखो।
तो अभी मैं वेस्ट बंगाल और सिक्किम की बॉर्डर पर एक टाउन है माली करके, वहाँ पर हूँ। और बस अब इस टाउन के बाद सिक्किम चालू होने वाला है। सो रहा हूँ, थक गया था तो। और ये यहाँ पर रिवर जो पूरे रास्ते में हमें फॉलो कर रही है, इसका नाम मैं आपको यहाँ डाल दूँगा। एग्जैक्ट नाम तो मुझे समझ नहीं आया, उन्होंने बताया तो था। तो अभी मैं सिक्किम के अंदर हूँ, 5 मिनट के लिए मुझे परमिट मिला है अंदर आने का, ताकि मैं प्रिंट निकलवा सकूँ मेरे सेकंड डोज के सर्टिफिकेट। फिलहाल आज की तारीख में स्थिति ये है कि अगर आपने फर्स्ट डोज लगवा रखा था, आप आरटीपीसीआर दिखाना पड़ेगा, और सेकंड डोज हो गया है तो आपको बस ये वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना है। और अब मैं वापस जा रहा हूँ बंगाल की ओर। तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है और फाइनली गंगटोक में आ चुका हूँ। मास्क लगाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी यहाँ पर, और अभी तक की सबसे स्ट्रिक्ट लैंड बॉर्डर देखी है मैंने वेस्ट बंगाल और सिक्किम की आज की तारीख में। आज 23 अगस्त हो रही है, आज मैं आया तो मेरा तो दोनों डोज हो चुके हैं कोविशील्ड के, तो मुझे स्मूथ एंट्री मिल गई। मतलब एक परमिट टाइप बनता है आपका वहीं पर, तब जाके आपको एंट्री मिलती है। अगर आपने एक डोज भी लगवा रखा है तो आपको एक नेगेटिव सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा सिक्किम में एंटर करने के लिए। और थोड़े बहुत रूल्स हैं यहाँ के, स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, और इधर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आर्मी हर तरफ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम नई दुनिया में आ गया हूँ। तो अभी मैं हॉस्टल जा रहा हूँ और वहीं मिलूँगा अब आपसे। तो जैसलमेर जैसे ही हॉस्टल में रुका हुआ हूँ, और ये मेरा बेड है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है अभी तक तो। और ये पूरा डॉर्म दिखाता हूँ मैं आपको, तो यहीं रुकने वाला हूँ अभी 2 दिन तो, और देखते हैं आगे एक्सटेंड करना होगा तो कर लूँगा। तो अभी बस एंजॉय कर रहा हूँ लोगों के साथ, और बाकी अपन अब मिलेंगे कल। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम गैंगटॉक सिक्किम। तो मेरा मतलब कल रात को आया था, तो आज पहला दिन है, तो फाइनली आ चुका हूँ एमजी मार्ग में। एकदम ऑल रोड हो गया मनाली में, शिमला में, वैसे यहाँ का मेन सेंटर है। लोग आ चुके हैं ऊपर रोपवे के लिए, और जाने जा रहे हैं रोपवे के लिए, नीचे उतरेंगे थोड़ा बादलों के बीच में से, और काफी मजा आ रहा है। अपने लाइक माइंडेड लोग मिल चुके हैं।